अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में और मुझे पूरा यकीन है ऑफिसर्स भी शायद आएंगे। मैं यही देखने आया हूँ कि एक्सपेंस क्या है। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि ये साने यहाँ पे पेश आया है। ये एक बहुत ही तवारीखी मार्केट है, इनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ की तारीख पे भी और जो तजारत भी है माशरे की तरफ भी बहुत रही है हिस्टोरिकली। तो इनको अपने पैरों पे वापस कैसे खड़ा किया जाए, इनके साथ छाना बछाना चल के इनकी इमदाद कैसे की जाए, वो देखने के लिए खुद आया हूँ और इन ग्राउंड और ये दरियाफ्त कर रहा हूँ कि हकीकत क्या है और क्या चैलेंज है। स्पेशली इन द इनर सिटी, ओल्ड सिटी स्ट्रक्चर्स ओल्ड हैं, कंजेस्टेड प्लेसेस हैं, आप फिर भी देखिए कि वो सब देखते हुए भी मुझे लगता है डैमेज को बहुत कंटेन किया गया। ये बहुत स्प्रेड हो सकता था। इसमें बहुत सारे हमें फायर ऑडिट्स के प्रोविजंस लेने हैं, हमें ज़ाती तौर बहुत फायर सेफ्टी मैकेनिज्म्स रखने हैं। मुझे लगता है कि एवरी शॉपकीपर शुड इन्वेस्ट इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। और आज जो वो एक्सग्रेशिया का जो होगा वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ कंसिडर करेगी। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ाबादकारी के लिए रिटर्न टू देयर बिजनेसेस एक मदद हो। कमर्शियल स्ट्रक्चर्स का एक्सग्रेशिया एक प्रोविजन नहीं है, बट आई एम श्योर मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इनकी पूरी से पूरी इमदाद की जाए। इनने सबसे मुश्किल हालात में जो हमने देखे हैं तारीखी रिसेंट हिस्ट्री में, उसमें भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया और ये ट्रेड सेंटर है, एक हिस्टोरिक ट्रेड सेंटर है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी मैं ज़ाती तौर जितना मैं एक रोल प्ले कर सकूँ इनकी मुश्किल हल करने में। मकामी लोगों का मैं गुजारिश करूँगा वो आएँ। मैंने सुना ये रात को हुआ और मैंने इरादा किया था मैं सुबह यहाँ आऊँगा, तो देखते हैं। थैंक यू।